देखते हैं कि जरा इसके अंदर क्या चीज है। सो ये देखो, एक छोटा सा डब्बा है। याद रखना गाइस, जो भी छोटी चीजें होती है ना, जो छोटे डब्बे होते हैं उसमें कुछ बड़ा धमाका ही निकलता है। चल जा बाबू। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब एकदम ठीक होंगे। ओ गाइस, पहले तो थैंक्स अ लॉट टू ईच एंड एवरीवन। आप सभी ने इतनी सारी मेरे को गुड विशेस दी, तो थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरीवन। एंड टुकू के साइड से भी थैंक यू, क्योंकि आप सभी ने टुकू को भी अपनी अपनी गुड विशेस दी। एंड हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल। मतलब यार, इससे बड़ा मेरे लिए प्राउड मोमेंट क्या हुआ कि आज महाशिवरात्रि एंड आज के दिन आपके भाई का बर्थडे है। गाइस, कल रात में केक कटिंग करनी थी, बट कल रात में मैंने केक कटिंग नहीं करी। कल मेरा एक्चुअली थोड़ा मूड ऑफ था, इसलिए मैंने कल रात में केक कटिंग नहीं करी। तो अभी फिलहाल केक घर पर पड़ा हुआ है। मैं और टुकू जा रहे हैं गोला डेयरी वाले घर के लिए, वहाँ पे जाएंगे। मम्मी पापा वहीं पे हैं, एंड वहीं पे चल के केक कटिंग करेंगे। जो भी अपने को लाइफ मिली अपने मॉम डैडी के कारण ही मिली है, तो थैंक्स अ लॉट टू मॉम डैड, क्योंकि यार उनके कारण ही आज जो भी है हम। तो यहाँ फ्लाइट जाते रहते, पीछे एयरपोर्ट है ना, इसलिए यहाँ से फ्लाइट जाते रहती है, तो नॉइज डिस्टर्बेंस होती रहती है। आ जाओ, देखो हमारे टुकू जी भी आ गए, अभी रेडी हो रहे हैं। अभी हुए नहीं है सर जी रेडी। हो जाओ भाई, तुम रेडी क्यों नहीं हो रहे? तो भाई ये घर देखो, पूरा देखो मैं सब कर रखा है, देखो पूरा गंदा कर रखा है। ये हमारे टुकू जी ने कर रखा है पूरा, देखो घर देखो गंदा। ओए, व्लॉग स्टार्ट होते तुम भी उठ जाते थे टिंगू लाल, जैसे ही व्लॉग स्टार्ट तुम उठ जाओगे। हैं भाई, इसके टम्मी कह रही है। तुम्हें नींद नहीं आती क्या? अरे टम्मी रह लो उसके। हैं टिंगू भाई, तुम जल्दी रेडी हो ना, मेरे को निकलना है। चलो, तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ, इसको बोल रहा हूँ, तुम्हारे बड़े भाई को। चलो जल्दी रेडी हो जाओ। इसकी स्पोर्ट्स कार देख लो। ओ, पूरा घर देखो, कैसे देखो, सत्यानाश कर रखा है। और मैं गाइस आप लोगों को अपना रूम दिखाता हूँ। ये देखो, मैंने अपना रूम देख लो, कल रात में ही देख लो, साफ ऑफ कर लिया था एकदम बढ़िया से। बट फिर भी देख लो, थोड़ा बहुत गंदा हो रखा है। जिस घर में बच्चे हैं वो घर कभी साफ सुथरा नहीं रह सकते। चलो भाई अब निकलते हैं, टुकू ने हमारा केक ले लिया है। टुकू चले, स्मार्ट लग रहे तुम तो यार, पर मेरे ज्यादा स्मार्ट नहीं लग रहे तुम। देख लो, मैं तो ज्यादा स्मार्ट लग रहा हूँ, मैं तुम ज्यादा स्मार्ट लग रहा हूँ, देख लो। गाइस देखो, वैसे प्लान था भाभी को भी लेकर जाने का, बट स्कूटी पे चल नहीं सकते, क्योंकि देखो दो बेबीज हो जाएंगे और फिर साथ में केक और फिर भाभी, तो दिक्कत होती है स्कूटी पे। तो देखते हैं, शायद बड़ा भाई आएगा भाभी को लेने के लिए। अब बाकी अपन निकलते हैं पूरा डेले घर के लिए, वहाँ पर सब ऑलरेडी हमारा वेट करें। मैंने पापा को कॉल पर बोल दिया है कि पापा मैं आ रहा हूँ, कहीं जाना वाना मत। तो चलो भाई निकलते हैं, देख लो जस्ट अभी वैसे घर पहुँचे हैं। एंड मेरे ब्रूनो की खुशी देख लो, डैडी आज तो स्मार्ट लग रहा है पूरे के पूरे एकदम। चलो प्रणाम, आज के दिन आपके कारण ही प्रणाम मम्मी। ये देखो एकदम ब्यूटीफुल लग रही है मम्मी, क्यूटी। टुकू को देख लो, टुकू मम्मी कैसे नहीं लग रहे पूरे, है ना? डैडी आज मेरा बर्थडे है, कुछ दो शब्द मिल ले। आज के दिन हमेशा त्योहार अच्छा रहे। अपनी आदत को सुधार। अरे भाई ये कौन बोल रहा है यार, ये नहीं कुछ अच्छा बोल दे यार, आज के दिन तो कम से कम अच्छा ही बोल रहा हूँ। हाँ बताओ क्या आदत में सुधार लाइए, अच्छा प्रोग्रेस कीजिए। अच्छी कामना है कि आप आगे बढ़े। हाँ मैं बोल रही हूँ, आज के दिन हमेशा सुखी रहे, सुखी सुखी रहे, अच्छा अच्छा रहे। मैं तो देखो नहावा क्या है एकदम बढ़िया, ये नहीं ना है बुनो बुनो, आ जाओ ऊपर, आ जाओ ऊपर, आ जाओ उधर जाओ। हाँ सब आज गुड बॉय, आ जाओ गुड, बैठ जाओ, बैठो यहाँ पे, बैठो बैठ जाओ, बैठ जाओ, वेरी गुड बॉय। क्या कर रहे हो भाई, ये किसके लिए? अच्छा डैडी का व्रत है, इसलिए चाय वाय बनाया, चाय वाय मेरे को पिला दिया करो जरा। मैं तो बोली आपका ही बेटा हूँ, ये देख लो इस बंदे को घूमने से मतलब है। बाय ब्रूनो, घूमने से मतलब है। मम्मी गाइस देखो कितना प्यारा केक लेके आए घर वाले। ओए ये देख लो भाई, केक तो मेरे को काटना है, तो भी मेरे को मारना होता है। धन्यवाद मम्मी, टीका लग गया, टीका काहे लगाया है भाई, दोबारा जलाओ भाई, दोबारा जलाओ, मैं बुझाऊंगा, हाँ नहीं तो दूसरा भी जला भाई। चलो 3 2 1 हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। रोक रोक क्या
गाइस देख लो मम्मी ने देखो पैसा दिया गिफ्ट में, ओए होए देख लो मम्मी ने देखो पैसे दिए, थैंक यू मम्मी। अच्छा पैसा, अच्छा आपने दिया था क्या? छीन लो हैं, आओ दोगे नहीं रहने दो, आओ दोगे नहीं, ये लो ठीक है। मैं चल तेरी, सबसे पहले आए थे पैसे लेने के लिए, चलो मेरी मेहनत से हाथ धोया। चाचा नहीं भाई है मेरा, कटबे नहीं, अरे नहीं क्या करूँगा काट के, अरे हाथ से खा मेरे, पापा का बेटा है बहुत तगड़ा, ये ले तू खा ले भाई, ले तू भी नहीं खाएगा, चलो मैं ही कर रहा ले तू भी खिला दे बेटा, ये लोग खिला रहे हैं, इच्छा चल रही है, क्या 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 निकाल के ना, अच्छा बच्चे को चाबी ले, सुन ले कार्टून ले, ले 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 बाबू। चलो गाइस केक कटिंग की रस्म पूरी हो चुकी है, घर में अब ऐसे वैसे स्टार्ट हो चुके हैं, हम निकलते हैं दूसरे का घर के लिए, लेट्स गो गाइस। देखो फर्स्ट केक तो काट दिया है, अब बारी हमारे सेकंड केक काटने की, ये जो केक भेजा मेरे को ये मेरी लव्ड वन है कि उसने भेजा है, एंड अभी देखो एक कैंडल लगाना था, मैंने देखो ये इस साइड से लगा दिया, उल्टा लगा दिया मैंने कैंडल, जबकि ये लगता देखो ऐसे है, ये देखो ये लगता है ऐसे, अब पक्का सही लगाया ना। टुक्कू हमारा बहुत देर से वेट करता है इस केक की कटिंग के लिए, तो फिलहाल जरा इस केक की कटिंग करते हैं। अच्छा रुको तो सही, हर चीज में सहन नहीं करता गाइस, देख ले तो सबर ही नहीं है बिल्कुल भी, देखते हैं हमारा ये कैंडल जलेगा कि नहीं, मुझे पूरी वाइब्स आ रही है मुश्किल ही जलेगा क्योंकि इसको मैंने केक लगा दिया, जल जा बाबू बाबू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे डियर टुटू के चाचू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो हम लोग केक कटिंग हो चुका है, मुझे लगा ये खिलाऊंगा, ये लो पहले तुम लो भाई, कैंडल कब तक जलेगी ये वाली, ये लो तो ये वाला बर्थडे बहुत स्पेशल गया, दोस्त यार कम थे बट अच्छा गया, जितने दोस्त यार कम उतनी लाइफ बढ़िया है ना, अभी एग्री एग्री करते हो ना एकदम, मेरे अभी ने यूं करके मुंडे ला दे एकदम, इसको देख लो। सो गाइस अभी मैंने एक क्लिप डाल रहा हूँ, आप लोग क्लिप देखो। सो गाइस बेसिकली मेरे बर्थडे पे एक मेरी लव्ड वन है जिसने मुझे गिफ्ट दिया है, तो उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं एंड देखते हैं कि जरा इसके अंदर क्या चीज़ है। सो ये देखो एक छोटा सा डब्बा है, छोटे डब्बे होते हैं उसमें कुछ बड़ा धमाका ही निकलता है, तो जरा अनबॉक्सिंग करते हैं। एंड यार ये देखो पहले जिस रैपर में इसने दिया, कितना प्यारा लग रहा है यार ये रैपर यार, ओहो इसको मैं हमेशा अपने पास रखूंगा, जल्दबाजी में कुछ भी काम नहीं करना चाहिए। कुछ डब्बा देखो गाइस ऐसा है, ये देख लो गाइस डब्बा देख लो एक बार, डब्बे के अंदर देखते हैं गाइस, ये देखो कितनी प्यारी रिंग दी है गाइस, ये देखो सोने की रिंग, ये देखो कितनी प्यारी है यार ये, यार ओए होए मतलब अरे यार थैंक्स अ लॉट। नाम तो आप सभी जानते हैं, इंस्टाग्राम में आप लोगों ने देखा ही होगा, ये गिफ्ट जब मैं अपनी मम्मी को दिखाऊंगा ना तो मम्मी तो खुशी करें, पागल होने वाले मेरी मम्मी। चलो इसको सेफली एकदम अच्छे से पैक करते हैं एंड इसको रख देते हैं, एंड थैंक्स अ लॉट टू ईच एंड एवरीवन, आप सभी ने मेरे को अपनी गुड विशेस दी, तो थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरीवन। सो गाइस जस्ट अभी आप लोगों ने देख ही लिया क्लिप में कि यार उसने मेरे को कितना स्पेशल गिफ्ट दिया है, तो थैंक यू सो मच इतना प्यारा गिफ्ट देने के लिए। सो बेसिकली गाइस कल मैंने क्या क्या करा एक बार जरा मैं आप सभी को बता देता हूँ। जैसे ही मैं उस वाले घर से आया उसके बाद मैं फिर चले गया था कहीं पार्टी वार्टी नहीं करी, मैं ऐसे ही नॉर्मली पैसिफिक मॉल गए थे, गेम्स वेम्स खेला एंड मस्ती वस्ती करी थी बहुत सारी। व्लॉग अभी मैंने उसका शूट नहीं करी है बट बहुत जल्द मैं उसका भी व्लॉग शूट करूंगा एंड आप सभी को शो करूंगा कि कौन है जिसने मुझे इतना प्यारा गिफ्ट दिया है, तो थोड़ा सा सस्पेंस व्लॉग्स में बना रहना चाहिए कि कौन है जिसने मुझे इतना प्यारा गिफ्ट दिया है। तो बहुत जल्दी मैं ये चीज़ को रिवील करूँगा बट कल मैंने ये चीज़ को शूट नहीं करा क्योंकि
अभी मतलब मैं उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, जब तक चीज़ें एकदम क्लियर नहीं हो जाएगी तब तक मैं वो चीज़ शो नहीं करूँगा। सो अभी टाइम हो गया है 12:30 बज चुके हैं, हम लोग इस ब्लॉग को फिनिश करते हैं, एडिटिंग अभी करूँगा, थोड़ी सी एडिटिंग बची है, एडिटिंग कंप्लीट होते ही सो जाऊँगा। सो आई होप कि आप लोग वाली ब्लॉग अच्छी लगी होगी, अगर ब्लॉग अच्छे लगे तो ब्लॉग पर लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, एंड आप लोग गिफ्ट कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ये भी जरूर बताना। मिलते हैं बहुत जल्द ब्लॉग में, टिल देन एवरीवन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। देख लो इसको, स्पीकर उठाना है इसको, देख लो ये, देख लो वॉकर के ऊपर सबसे घूमे जा रहा है पूरे रूम में, और इसको सिर्फ मेरा रूम ही मिल रहा है आने के लिए, सिर्फ मेरे रूम में आ जा रहा है बार बार, देख लो स्पीकर को छेड़ रहा है। 12 बज रहे हैं, शर्म वरम है, इस टाइम पे बच्चे सो जाते हैं, जैसे ही व्लॉग स्टार्ट हो इसका सारा ध्यान यहाँ पे आ गया। हाँ क्या हो गया बोलो।